क्या लोकसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी से पिछड़ गई है कांग्रेस? आखिर अपने नेताओं से नाराज क्यों है राहुल गांधी? 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा हो गया है। बीजेपी जहां एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने को बेताब है, तो वहीं कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन चुनाव प्रचार के मामले में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती नजर आ रही है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के इनसाइड ट्रैक में छपे कूमी कपूर के एक कॉलम के मुताबिक चुनाव प्रचार में हो रही देरी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खासे नाराज हैं। आलम यह है कि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अपना प्रचार अभियान पहले ही शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस अभी तक विज्ञापन के लिए फर्म का चुनाव तक नहीं कर पाई है। लेख के मुताबिक बीजेपी उसी मशहूर प्रचार और विज्ञापन फर्म के पास पहुंची है जिसने साल 2014 में पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था। लेख के मुताबिक कांग्रेस के चुनाव प्रचार में देरी पार्टी में कथित तौर पर दो गुट होने की वजह से हुई है। एक आनंद शर्मा है जिनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी काम कर रही है। दूसरे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जो पार्टी कोर ग्रुप के कोऑर्डिनेटर हैं और अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं। खबर के मुताबिक एक पक्ष ने अन्य समिति के सदस्यों को बिना बुलाए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपने पावर पॉइंट प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिए फार्मों को आमंत्रित करने का भी आरोप लगाया है। एक बात ये भी है कि एक ऐसे फर्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है जिसे शायद ही कोई जानता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहले ही लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति की अंतिम रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। बीजेपी के पुराने मुख्यालय 11 अशोका रोड में विशाल वॉर रूम बनाया गया है जहां प्लाज्मा के विशाल टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं। हर राज्य के बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक नक्शे भी लगाए गए हैं जो लेटेस्ट डेटा से अपडेट रहेंगे। 24 घंटे सातों दिन काम करने वाले वॉर रूम में चुनाव कार्यक्रम, मोदी की रैलियों, शाह की बैठकों आदि के बारे में सभी तरह की जानकारी होगी। इतना ही नहीं, खबर है कि बीजेपी ने 2019 चुनाव को लेकर अपना नया स्लोगन भी तैयार कर लिया है। जाहिर है अगर इन बातों में दम है तो फिर राहुल का नाराज होना लाजमी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।